हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बैरा हंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग। गाइस, आज का वीडियो हम बना रहे हैं इसलिए क्योंकि काफ़ी लोग जो हमें रास्ते में मिलते हैं या कोई फिशिंग स्पॉट पे मिलते हैं तो बहुत एडमायर करते हैं, बहुत हमें सपोर्ट करते हैं एंड हमें अच्छा लगता है जान के कि आप लोग का प्यार मोहब्बत इस तरह से बना हुआ है हमारे साथ। सो गाइस, आज का वीडियो जो हमारा है वो इस बारे में है कि जैसे आप लोग पूछते रहते हैं कि सर स्नेकेड फिशिंग के लिए कौन सा रॉड हम खरीदें या कौन सा रॉड अच्छा रहेगा स्नेकेड फिशिंग के लिए, बिगिनर लोगों के लिए, प्रो लोगों के लिए, जो एंगलर सीख रहे हैं या जो ऑलरेडी काफ़ी एक दो साल से फिशिंग कर रहे हैं स्नेकेड का फिशिंग, तो उन लोग के लिए कौन सा रॉड अच्छा रहेगा उसके बारे में आप लोगों का कन्फ्यूजन रहता है, आप लोग हमें पूछते रहते हैं, तो उसके बारे में आज का वीडियो है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं एक रॉड यूज़ कर रहा हूँ, ये है मेरा काफ़ी फेवरेट रॉड है मेरा, ये इंद्रा का 8 फिट है। ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग इंद्रा का 8 फिट ही खरीदें, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं टेस्ट कर चुका हूँ, सो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आप लोग का, चॉइस आप लोग का होगा। सो सबसे मेन क्राइटेरिया जो होता है जो स्नेकेड फिशिंग में रॉड सिलेक्शन का या रील सिलेक्शन का, वो हमारा होता है कि हमारा जो रॉड है वो एक अच्छे क्वालिटी का ब्लैंक बना, उसका जो ब्लैंक है, जो ब्लैंक का क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ब्लैंक का क्वालिटी अच्छा होगा तभी कभी जब बड़ा स्नेकेड स्ट्राइक देता है तो उस टाइम पर हमें 1-2 सेकेंड रुक के उसके बाद हमें जोर का स्ट्राइक देना होता है। वो जो जोर का स्ट्राइक है वो बैठने के लिए उसका हुक, उसका मुंह थोड़ा कड़क होता है स्नेकेड का, तो उसके मुंह पे प्रॉपर हुक घुसने के लिए, सेट होने के लिए आपके रॉड में पावर होना चाहिए। अगर रॉड में पावर नहीं होगा तो प्रॉपर हुक सेट नहीं होगा, हल्का फुल्का सेट होगा और वो फड़फड़ा के निकल जाएगा, तो जिससे आप लोग का मूड ऑफ हो सकता है। सो इसमें जो रॉड की बात करें तो उसमें हमें ये चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि उसका रॉड का ब्लैंक का क्वालिटी अच्छा हो। उसके बाद जो आता है वो है उसका एक्शन, जो रॉड का एक्शन है वो मीडियम फास्ट एक्शन होना चाहिए। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप मीडियम एक्शन के लिए भी जाओ, आई विल से आप लोग को जाना चाहिए मीडियम फास्ट एक्शन या तो फिर फास्ट एक्शन, दोनों भी रॉड चल जाएगा। एंड उसका जो रॉड का कैपेसिटी है, वेट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वाला जो कैपेसिटी होता है वो हमारा होना चाहिए हैवी पावर रॉड, क्योंकि उसका अंदर पावर अच्छा होना चाहिए, हैवी पावर रॉड होना चाहिए। उसके लिए ये ज़रूरी है क्योंकि गाइस जब भी हमें स्नेकेड स्ट्राइक करता है, जब हुक अप हो जाता है तो वो हम जब भी स्नेकेड फिशिंग कर रहे हैं तो कोई ऐसे स्ट्रक्चर में करते हैं जहाँ पे घास है, कुछ झाड़ है, उसके पीछे के आसपास, उसके नीचे एक स्नेकेड छुपा होता है। जब वो स्ट्राइक देता है तो अंदर घुसता है तो हमें वहाँ से उसको फोर्सफुली पुल आउट करना होता है। और जब आप उसको फोर्सफुली पुल आउट करोगे, खींचोगे बाहर, तो वो हो सकता है कहीं अटके, कहीं झाड़ियों में अटक जाए, तो उसमें अगर आपके हैवी पावर एक्शन, हैवी पावर रॉड नहीं रहेगा तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है उसको खींच के बाहर निकालने के लिए। इवन कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो लाइन होता है किसी झाड़ में या किसी स्ट्रक्चर में हमारा लूअर अटक जाता है, क्योंकि हम, आपको पता है कि स्नेकेड फिशिंग में हमें कास्ट करना होता है किनारे पे झाड़ वगैरह में कास्ट करके नीचे से उसको लैंड करना होता है पानी में, तो उसमें क्या होता है कि हमारा लूअर किसी झाड़ी में अटक जाता है। कभी कभी झाड़ियाँ ऐसी होती है, पानी में जो घास होता है उसके आसपास जो घासें होती है, कभी उनका जो तना होता है, जो स्टेम होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसमें से पुल आउट करने के लिए हमें पावर नहीं रहेगा रॉड में, तो हम उसको पुल आउट नहीं कर पाते, खींच नहीं पाते, तो उसमें एक प्रॉब्लम होता है, उसमें हमारा रॉड टूटने का डेंजर होता है। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे एंगलर्स का रॉड इस तरह से ब्रेक होते हुए देखा रहेगा, वो लोग बोलते हैं रॉड ख़राब है, कंपनी ख़राब है, सो आई डोंट बिलीव इन दैट। ये होता है कि एंगलर किस तरह से उस चीज़ को हैंडल कर रहा है, कितना उसको नॉलेज है उस रॉड के बारे में, कहाँ उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। अगर वो नॉलेज नहीं है तो इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है ये हमारे एंगलर भाइयों के साथ में। सो कभी भी ध्यान रखें कि कोई भी रॉड खरीदें तो अच्छे क्वालिटी का खरीदें, अच्छे ब्रांड का खरीदें, ये देखें कि आपके बजट में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि बजट में होना बहुत ज़रूरी है। सो आई विल रिकमेंड जो बिगिनर एंगलर्स हैं वो नियर अबाउट 3000 एंड उसके नीचे का ही जो बजट सेगमेंट है रॉड्स का उसमें जाए, बट आई विल नॉट रिकमेंड कि नॉन ब्रांडेड या चीप क्वालिटी ब्रांडेड के रॉड्स के साथ जाए, क्योंकि अगर अच्छा क्वालिटी का नहीं रहेगा तो कुछ भी लिख दे रॉड के ऊपर, कोई भी स्पेसिफिकेशन लिखा रहेगा उसका कोई मायने नहीं रखता गाइस, क्योंकि उसके ऊपर हमारा भरोसा नहीं होता है। मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के रॉड्स टेस्ट किए हुए हैं, तो इसलिए मैं आपको यकीन के साथ इस चीज़ को बोल सकता हूँ। अभी गाइस उसका जो लेंथ होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब भी आप स्नेकेड फिशिंग करते हो तो आपको, आपने ध्यान दिया होगा कि झाड़ियों के आसपास हम फिशिंग करते हैं। कभी कभी ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसी ऐसी जगह होती है, ऐसा स्पॉट होता है कि जहाँ पे हमारे पास इतना एरिया नहीं होता है कि हम बड़े रॉड को कास्टिंग कर सके, बड़े रॉड से कास्टिंग कर सके, हमें नियर अबाउट 5-6 फीट 7 फीट का ही एरिया मिलता है या उससे भी कम मिलता है, तो हमें बहुत मुश्किल से वहाँ से गली में कास्ट करना होता है।
तो उस सिनेरियो में हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि स्नेकेड फिशिंग के लिए आपको 6 फीट से लेकर 7 फीट और मैक्स टू मैक्स 8 फीट के लिए आप जा सकते हैं। अगर ओपन एरिया है तो आप 8 फीट यूज़ कर सकते हो, अगर झाड़ियों का एरिया है तो आप 7 फीट इस्तेमाल करें। बट इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो फास्ट एक्शन रॉड होना चाहिए या मीडियम फास्ट एक्शन रॉड होना चाहिए। अब ये जो इम्पोर्टेंट बातें थी ये हो गई गाइज रॉड के बारे में। अब उसके बाद हम आते हैं रील के ऊपर। अभी रॉड में भी एक चीज़ रह गई गाइज कि रॉड जो होता है वो दो टाइप का रॉड होता है, एक स्पिनिंग रॉड होता है और एक बेट कास्टिंग रॉड होता है। तो बेट कास्टिंग रॉड और स्पिनिंग रॉड में ये क्राइटेरिया सेम रहेगा रॉड सिलेक्शन का कि वो मीडियम फास्ट एक्शन या फास्ट एक्शन होना चाहिए, 6, 7 या 8 फीट का रॉड होना चाहिए, उससे बड़ा रॉड नहीं चाहिए हमको स्नेकेड फिशिंग के लिए, उसका हैवी पावर होना चाहिए। अब हम चलते हैं रील की तरफ गाइज। जो रील होनी चाहिए हमारी वो नियर अबाउट 8 किलो के आसपास का ड्रैग होना चाहिए, 8 किलो या 8 किलो से ऊपर, 10 से 8 किलो के बीच का रेंज जो होता है ड्रैग का वो ठीक लगता है मुझे, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। सो गाइज वहाँ पर स्नेकेड है, अभी फीडिंग किया है, हम उसको निकालेंगे, डोंट वरी। सो इस तरह का चीज़ों का हमें ध्यान रखें कि रील हमारी 8 से 10 किलो के ड्रैग का कैपेसिटी वाली रील होनी चाहिए। उसका जो बॉडी है गाइज वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं प्ले रोल प्ले करता है, थोड़ा स्ट्रेंथ होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का रील होना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छे ब्रांड का हो तो सबसे अच्छी बात है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो अच्छे ब्रांड के साथ में जाए। उसका जो लाइन कैपेसिटी है गाइज नियर अबाउट 200 मीटर का लाइन बैकअप हमें मिले तो दैट इज़ मोर देन एनफ। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा लाइन बैकअप का ज़रूरत पड़ता है स्नेकेड फिशिंग के लिए। एंड उसका जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट होता है कि लाइन का जो कैपेसिटी है वो नियर अबाउट 50 LB के आसपास होना चाहिए। 50 LB मतलब 22-24 किलो के आसपास का उसका कैपेसिटी रहे तो दैट इज़ एनफ फॉर यू। क्यों इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उससे कम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लंबा कास्ट होगा। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है गाइस कि जब हमारा झाड़ियों में अटक जाता है लूअर या मछलियाँ कहीं झाड़ियों में घुस जाती है, उसे जब हम फोर्सफुली पुल करते हैं तो हमें कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए होती है। इसलिए हमें लाइन सिलेक्शन के टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो 50 LB के आसपास की लाइन हो, 60 LB हो, पर डायमीटर कम है मतलब पतली लाइन है तो चल जाएगी, कोई तकलीफ नहीं है। इवन 40 LB तो आई विल नॉट रिकमेंड, यू शुड गो फॉर 50 LB, क्योंकि मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। क्या होता है गाइस कि जब भी हम कोई हैवी फ्रॉक कास्ट करते 20 ग्राम के आसपास का, जब हम कास्ट करते कभी कभी हमारी लाइन कहीं अटक जाती है या बेलाम बंद हो जाता है तो इतना फोर्स होता है फ्रॉक के अंदर कि फ्रॉक उड़ के हमारा चले जाता है, लाइन तोड़ के बस्ट ऑफ होके फ्रॉक चले जाता है और हमारे पास खाली बचता है लाइन, वो भी टूटी हुई। तो ये अवॉइड करने के लिए हमारे फेवरेट बहुत सारे फेवरेट फ्रॉक हम लॉस्ट कर देते हैं तो बहुत दुख होता है उस चीज़ का गाइस। तो इस चीज़ का ध्यान रखें लाइन का सिलेक्शन करते टाइम। एंड फ्रॉग लूअर वगैरह तो आपको पता ही है, फ्रॉग के बारे में बहुत सारे वीडियोस हैं आपके पास ऑनलाइन, अगर नहीं है तो मुझे आप रिक्वेस्ट करें, कमेंट में बताएं तो मैं फ्रॉग के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। काफ़ी फ्रॉग्स के मैंने टेस्टिंग किए हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो उस तरह के फ्रॉग्स का आप सिलेक्शन करके अपने टेस्ट के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से, अपने R&D के हिसाब से आप अपना फ्रॉग का सिलेक्शन कर सकते हैं। सो ये हुई कुछ बातें गाइस स्नेकेड फिशिंग की जो आप लोगों को कन्फ्यूजन हुआ करता था। अब आप लोगों का ये कन्फ्यूजन होगा गाइस कि आप रेकमेंड करें हम कि किस पर्टिकुलर ब्रांड के साथ हमें जाना चाहिए, तो मैं जितना भरोसा करता हूं गाइस वो है इंडिया का सबसे बेस्ट रॉड का ब्रांड जो है मेजर क्राफ्ट। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त है वो इसलिए ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मैंने खुद पर्सनली टेस्ट किया है और मैं बहुत सालों से उसको जानता हूँ, तो इट इज़ द बेस्ट। थोड़ा बजट में आप देख सकते हैं, फिर भी उन्होंने जो इंदिरा सीरीज लॉन्च किया इंडियन एंग्लर्स के लिए उसके लिए वी आर रियली थैंकफुल कि उन्होंने बजट रेंज में इंदिरा सीरीज लॉन्च किया। तो आप लोग यू कैन गो फॉर इंदिरा सीरीज ऑल्सो 7 फीट, इसमें 7 फीट भी आता है, स्नेकेड का रॉड है वो 7 फीट 8 फीट आप जा सकते हैं इंदिरा में। सो जो कि बहुत ही अच्छा एक्शन देता है, पावर देता है ये, एंड बहुत ही स्टेबल रॉड है आप देख सकते हैं। मैं खुद इस सेटअप को यूज़ करता हूँ, मैं जो रील यूज़ कर रहा हूँ शिमानो नेस्की का रील है मेरा ये 5000 सीरीज। सो इस तरह का आप कोई भी रील जो अफोर्ड कर सकते हैं आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि स्पेसिफिक कौन सा रॉड रील हमें यूज़ करना चाहिए तो इसके ऊपर मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है barahunter.com करके। सो मैंने वेबसाइट बनाने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि उसके ऊपर मैं वो डिटेल्स डाल सकूँ, वो इन्फॉर्मेशन डाल सकूँ जो मैं वीडियो में नहीं दे पा रहा हूँ, या एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो होती है पर्टिकुलर कौन सा रॉड खरीदे, कौन सा रील खरीदे, या क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखे, क्या क्या चेकलिस्ट है, कहाँ पे हम जा रहे हैं, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखे, उसका एक लिस्ट हम बना के पूरा इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट पे देने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग इस वेबसाइट को भी चेकआउट करें
उस पर काफ़ी इन्फॉर्मेशन रेगुलर अपडेट्स के साथ आती रहती है, क्योंकि क्या होता है गाइस कि हम लोग काम धंधे वाले लोग हैं, हफ्ते में एक दिन का टाइम मिलता है तो उसमें हम थोड़े बहुत फिशिंग करते हैं और थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट आप लोग को देने की कोशिश करते हैं। तो जो वेबसाइट है उसमें क्या कभी भी मैं जब भी फ्री हूँ उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ पोस्ट आपको इन्फॉर्मेटिव दे सकता हूँ, तो आप लोग चेकआउट जरूर करें वेबसाइट को, वहाँ पर आप लोग काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट गाइस स्नेकहेड फिशिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिला तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कंटिन्यूसली हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहें। आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने वाला गाइस सीखने मिलने वाला है हमारे अपकमिंग सीरीज़ में, अपकमिंग जो भी वीडियोज़ आने वाले उसमें, क्योंकि जितने भी आप लोगों ने दिल से हमें रिक्वेस्ट किया कि सर आप चैनल को बंद मत करो, कंटिन्यू रखो, इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसकी वजह से हमने काफ़ी कुछ सीखा है। तो मुझे दिल को छुआ है एंड मैं कोशिश करूँगा जब तक मैं हूँ दुनिया में मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ में। तब तक के लिए फिशिंग करें, एंजॉय करें अपनी लाइफ, टाइट लाइंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।